औलाद मिली। बाइबल में, कुरान में क्योंकि तफसीलात नहीं है, बाइबल में हमें ये सब तफसीलात मिलती हैं। और जितनी भी आप मुस्लिम किताबें पढ़ेंगे, खुसूसन अंबिया की जितनी भी आप तफसीर देखेंगे, तो उसमें जो तफसीलात आपको मिलती हैं वो दरअसल बाइबल ही से ली गई, यानी तौरात से ली गई, क्योंकि कुरान में तफसीलात इतनी ज़्यादा नहीं है। और ख़ासतौर पर इस्माईल का तस्करा बहुत कम है कुरान में भी और बाइबल में भी। हज़रत इसहाक का तस्करा बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम पहले थोड़ा सा नज़र डालें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली पर, तो हम इस वक्त हैं तकरीबन 2000 साल कबल मसीह, यानी आज से 4000 साल पहले का ज़माना है। और उनके वालिद का नाम तारे था, तारे के 3 बेटे हुए, एक का नाम इब्राहीम, नहूर और हारान। और मैंने जैसे बताया था आपको कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डालने का वाकया हुआ, तो उसमें हारान की मौत का जिक्र तालमूद में मिलता है, जो यहूदियों की एक तरह से जो अहदीस का सबसे बड़ा मजमुआ है सही तरीन, यानी तौरा के बाद तालमूद, उसमें यह तस्करा मिलता है कि हारान की जो मौत है वो उस आग में जलकर हुई जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया, और जिस आग ने हज़रत इब्राहीम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और ये हारान जो हैं ये हज़रत लूत के वालिद थे, और हज़रत लूत की एक बहन थी, दो बहनें थीं, एक का नाम इसका था, एक का नाम मिल्का था। मिल्का की शादी उनके चचा नहूर से हुई, यानी हज़रत इब्राहिम के जो एक भाई थे नहूर, उनकी शादी मिल्का से हुई, जो कि उनके भाई हारान की बेटी थी, यानी रिश्ते में उनकी भतीजी थी। हज़रत इब्राहिम की जो पहली औलाद है हज़रत इस्माईल, बाइबल के मुताबिक वो 86 साल की उम्र में हुई। और उसका तस्करा कुछ इस तरह से है कि बाइबल में है कि हज़रत सारा जो थी वो 5 थी, उनकी औलाद नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने अपनी मिस्री कनीज को हज़रत इब्राहिम से कहा कि तुम मेरी मिस्री कनीज जो हैं मिस्र की हाजरा, तुम इनसे शादी कर लो, और इससे तुम्हें जो औलाद होगी वो मेरे ही औलाद की तरह होगी। हज़रत इब्राहिम ने से एक साल के बाद, यानी हज़रत इस्माईल पैदा हुए, जिस वक्त हज़रत इस्माईल पैदा हुए हैं तो बाइबल में लिखा है कि हज़रत इब्राहिम की उम्र 86 साल थी। लेकिन बाइबल में यहाँ ये भी तस्करा मिलता है कि जब हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल से हमला हुई, तो वो अपनी जो मालिका थी यानी हज़रत सारा को हिकारत की नज़र से देखने लगी। ये बाइबल में बाकायदा लिखा हुआ है। तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहिम से शिकायत की और कहा कि भाई ये तो है मेरी नौकरानी, ये मेरी कनीज थी, और ये जब से ये हमला हुई है तो ये मुझ पर मतलब मुझे जलील करती है, मुझे नफरत से देखती है, तो तुम इसे निकाल दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उनसे कि भाई तुम इसकी मालिका हो, जो तुम चाहो वो करो मतलब। तो हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को घर से निकाल दिया, उस हालत में कि जब वो हमला थी हज़रत इस्माईल से। बाइबल में मिलता है कि वो जब चली गई तो सहरा में एक जाके उन्होंने क़याम किया, और तो एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाइबल के बखौर तो हज़रत हाजरा ने बताया कि भाई इस तरह से मेरी जो मालिका हैं सारा, उन्होंने मुझे निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम गम ना करो, तुम वापस जाओ अपनी मालिका के पास, और अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, बेटा देगा, और अल्लाह इस औलाद को बरकत भी देगा। इसीलिए जब हज़रत इस्माईल पैदा हुए तो उनका नाम इस्माईल रखा गया, कि इसका मतलब यह है कि खुदा सुनता है, यानी खुदा ने हज़रत हाजरा की फरियाद सुन ली, इसलिए उनका नाम इस्माईल रखा गया इब्रानी ज़बान के अंदर। अच्छा, यहाँ बाइबल में कुछ वाज़े नहीं हो रही सूरत हाल, क्योंकि जो तस्वीर पेंट की गई हैं मग़रिब के अंदर हज़रत इस्माईल के हवाले से, वो दो मुख्तलिफ हमें तस्वीरें मिलती हैं, मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। एक तस्वीरों में तो है कि हज़रत हाजरा जो हैं वो यानी बहुत छोटे से बच्चे के साथ मौजूद हैं किसी सहरा में, और एक दूसरी तस्वीर में बच्चा ज़रा बड़ा है। पर अभी जब मैं मज़ीद तफसीलात बताऊँगा तो उसकी मज़ीद वजाहत भी करूँगा। ये जिक्र नहीं मिलता कि इस दौरान क्या हुआ, लेकिन आगे अगर आप बाइबल में जाएं तो आपको मिलता है कि हज़रत हाजरा हज़रत वापस आ गई, और वापस आने के बाद ये तफसील से नहीं है इस चीज़, लेकिन आगे चल के जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जब 99 साल की उम्र हुई हज़रत इब्राहिम की, और ख़ुदा ने उनसे एक मुआहिदा किया, और मुआहिदा ये था कि वो
एक खुदा की इबादत करेंगे और उसके उसकी जो निशानी थी वो खतना थी, सर्कमसिशन थी। कैसे इब्राहिम अपने तमाम मर्दों की, बच्चों की और इवन जो उनके गुलाम थे उनकी भी खतना की जाएगी। तो जब 99 साल की उम्र थी, बाइबल में लिखा हुआ है, बाकायदा उम्र लिखी हुई है, कैसे इस्माइल 13 साल के थे और इब्राहिम 99 साल के थे जब उनकी खतना हुई। और उसके ठीक एक साल के बाद हजरत सारा के यहाँ इसहाक पैदा हुए। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो हजरत इस्माइल हजरत इसहाक से तकरीबन 14 साल बड़े हैं। फिर बाइबल में आगे चल के मिलता है कि जब हजरत इसहाक की उम्र इतनी हो गई कि वो वीनिंग के एज में आ गए, यानी दूध छोड़ के वो खाने पीने की एज में आए, तो हजरत इब्राहिम ने बड़ी पार्टी का, एक ज़ियाफ़त का अहतमाम किया, लोगों को बुलाया, खाने पीने का अहतमाम किया। तो जब वो पार्टी हो रही थी, लोग खा भी रहे थे, तो हजरत सारा ने देखा कैसे इस्माइल खेल रहे हैं, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि अरे भाई ये बच्चा तो बड़ा हो गया, और ये बच्चा बड़ा हो गया है और ये तो कल को फिर असद में हिस्सा मांगेगा। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम को बुलाया और कहा कि भाई ये मुझे इससे डर है, ये तुम्हारा बेटा है और ये विरासत में हिस्सा मांगेगा, तुम इसे निकाल लो। तो हजरत इब्राहिम ने बाइबल, अभी तक हम बाइबल की बात करें, तो हजरत इब्राहिम ने बाइबल के बतौर एक पानी लिया, थोड़ा सा खाने पीने का सामान लिया और हजरत हाजरा को और इस्माइल को एक वादी गैर जीजरा में उन्होंने ले आके छोड़ दिया। अच्छा, हमारा जो ट्रेडिशन है इस्लाम का, ज़ाहिर है हमें जो तफसीलात मिलती हैं अपनी रिवायतों में, वो ये है कि वो सऊदी अरब मक्का में ले जाके छोड़ दिया हजरत इब्राहिम ने हजरा को और इस्माइल को। लेकिन जो हमें रिवायतें हमारे यहाँ मिलती हैं उसमें बड़ा मसला है। अभी पिछले जब प्रोग्राम में बात हो रही थी, शायद किसी ने सवाल भी किया था कि क्या वो छोटे थे हजरत इस्माइल। अगर आप इस हवाले से देखें तो जब हजरत इसहाक 14 साल के थे तो वो पैदा हुए, जब हजरत इस्माइल 14 साल के थे तो इसहाक पैदा हुए, जब इसहाक खाने पीने के काबिल हुए, यानी कम से कम 2-3 साल की तो उम्र रही होगी कि इस काबिल हुए कि कुछ खा पी सकें, तो उस वक्त हजरत इस्माइल की उम्र तो 15-16 साल होनी चाहिए। और अगर 16 साल की उम्र है तो 16 साल की उम्र का तो बच्चा जवान हो जाता है। अब जाहिर है कि क्योंकि कुरान में लोगों की ना उम्रें हैं ना इतनी तफसीलात हैं, बाइबल में सारी तफसीलात मिलती हैं आपको, लेकिन कुरान में सारी तफसीलात नहीं मिलती। तो अब जब वहां ले आके उन्हें छोड़ा, अब यहां से फिर कुरान का तस्करा हमें मिलता है। वहां पर भी बाइबल में भी हमें जो है मिलता है कि भाई फिर एक फरिश्ता आया और उसने हजरत को कहा कि भाई तुम गम ना करो, गमगीन ना हो। यह भी बाइबल में मिलता है कि हजरत इब्राहिम बहुत गमजदा हुए जब हजरत सारा ने कहा कि हजरा को निकाल दो, बेटे को निकाल दो, कि कल को ये कहीं विरासत में हिस्सा ना मांगे, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इसहाक जो है वो वारिस बने। तो हजरत इब्राहिम गमजदा हुए, यानी बाइबल में बकायदा लिखा हुआ है कि वो, क्योंकि वो उनका बेटा था, तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को दिलासा दिया बाइबल के बकौल और कहा कि भाई तुम गम ना करो, हम इसको एक बड़ी औलाद ज़्यादा देंगे और इसकी औलाद इतनी होगी कि वो तारों बराबर होगी, रेत के जर्रों के बराबर होगी, इतनी हम इसको बरकत देंगे। और यही जुमला फरिश्ते ने आके हजरत हाजरा से भी कहा। और जब वो वहाँ वादी गैर ज़रा में थी, अच्छा वो जो इलाका बाइबल में बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है ये सीना की तरफ, वादी सीना की तरफ का इलाका है। और हमारे इस्लाम की ट्रेडिशन के मुताबिक ज़ाहिर है कि मक्का है, आबे जमजम और खाने काबा उसके आसपास छोड़ के गए। तो अब ये उम्र का जो इख्तलाफ है बाइबल और कुरान के हवाले से, अच्छा कुरान में क्योंकि उम्र का तस्करा नहीं है इसलिए कोई इख्तलाफ की बात भी नहीं है। हाँ, रिवायतें हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर जो जमजम की रिवायत है वो ये कि इब्राहिम हजरत इस्माइल इतने छोटे से थे कि वो लेटे हुए थे ज़मीन पर और हजरत हाजरा जो थी सफा और मरवा के दरमियान सही करती रहीं पानी की तलाश में, और इस दौरान जो है वो हजरत इस्माइल जहाँ लेटे थे वहाँ एक चश्मा नमूदार हुआ और जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा ठहर जा, इतना पानी हो गया कि उन्होंने रुक रुक ठहर ठहर जम जम, और जिसकी वजह से उसका नाम आबे जम जम पड़ा। और उन्होंने उसको उसकी ग्रिड ईंटें वगैरह लगा के उसे रोकने की कोशिश की पानी को, और जब वो पानी परिंदों ने देखा तो वो परिंदे आने शुरू हुए, जब परिंदों ने देखा तो करीब से काफिला गुजर रहा था बनी जरहम का,